नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बैग न्यूज़। मैं अजय। कैथल शहर में अभी अभी दलितों ने अपना रोष प्रकट किया है। कल जिस तरह से एक दो दिन पहले जो वीडियो वायरल हो रही थी मिप्पा उर्फ संदीप की, जिसमें उन्होंने जाति शब्द इस्तेमाल किए हैं, पूरा मामला क्या है चलिए जानने के लिए चलते हैं। रजत कलशन जी नमस्कार। पहले नमस्कार सर, क्या मामला है? पूरा मामला सर ये है कि नरण गांव का एक जाट समाज का युवक है और उसने अमेरिका की किसी लोकेशन से एक फेसबुक लाइव किया था, इंस्टाग्राम पे भी किया था और उसमें दलित समाज के लिए, दलित समाज की महिलाओं के लिए, दलित समाज के महापुरुषों के लिए बहुत अभद्र अश्लील टिप्पणियां की हैं, जिससे पूरे दलित समाज में रोष है। और हम लोगों ने काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, जिसके चलते कैथल पुलिस को एक FIR दर्ज करनी पड़ी है तितरम थाने में। लेकिन खाली FIR दर्ज करने से बात नहीं बनेगी, हम लोग चाहते हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए। और आज जो यहाँ पर हजारों लोग आप इकट्ठे देख रहे हैं, ये सारे के सारे इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि हरियाणा सरकार पर, हरियाणा पुलिस पर यहाँ पर एक दबाव बनाया जा सके कि जो इनके चैनल्स हैं जिनके जरिए ये आरोपियों को गिरफ्तार करने का काम करते हैं विदेश में बैठे हुए को, उनका बड़ी तीव्रता से इस्तेमाल करें और उस आदमी को उठा के यहाँ पर लेके आएँ और कानूनी प्रक्रिया का उसको सामना करना पड़े। ताकि इससे पहले भी कुछ कहा उन्होंने, जैसे कुछ और वीडियो भी वायरल हो रही हैं काफ़ी, उसकी बहुत सारी वीडियो वायरल हुई हैं, फेसबुक पे हुई है, इंस्टाग्राम पे हुई है और जो बाद में जो वीडियो वायरल हुई है वो उसमें और भी ज़्यादा एग्रेशन में है कि मेरा क्या बिगाड़ लोगे। बाद में तो उसने जो भारत के ग्रेटेस्ट इंडियन जो सिलेक्ट हुए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनको भी गालियां बकने का काम किया है, उनको भी अपमानित करने का काम किया है, तो बेहद निंदनीय है और कानून की नज़र में कॉग्निजेबल ऑफेंस है और जिसमें प्रावधान है कि इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्यों दलितों को ही टारगेट कर रहा है हर बार वो? देखिए, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है उसके बाद जो अधिकार मिले हैं उसके बाद से उन अधिकारों का फ़ायदा उठा के बाबा साहब के नारे के मुताबिक हम शिक्षित हुए हैं, शिक्षित होने के बाद हम संगठित हुए हैं और हमारे लोग IAS हैं, IPS हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, मिनिस्टर हैं, वाइस चांसलर हैं, खूब बड़ी बड़ी पोस्टों पर गए हैं। और ये जो तथाकथित लोग स्वर्ण लोग हैं, इनके लिए हम हमेशा गुलाम थे और जब इन तथाकथित मालिकों को ये लगता है कि गुलाम राजा बन के बैठ गया तो इनके अंदर जो बौखलाहट है वो बौखलाहट बाहर आ रही है, उसी लिए ये हमको गालियाँ बक रहे हैं और इनका मेन टारगेट हमारी माँ बहनें रहती हैं, हमारी बहन बेटियाँ रहती हैं। जो दलित और शरणों की आपने बात कही, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाईचारे की जो ताना बाना समाज का बना आ रहा है वो कहीं ख़राब हो इन चीज़ों से? देखिए, हमारी तरफ से भाईचारे का कोई ताना बाना ख़राब होने नहीं जा रहा है, हम यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, सरकार को अपना ज्ञापन देंगे। ठीक है, जो सरकार की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर कमज़ोर वर्ग को, वंचित वर्ग को लेवल पे लेके आना। ठीक है, सरकार इसमें असफल रही है और ये दलित समाज नहीं है जो भाईचारा तोड़ने का काम कर रहा है, ये वो तथाकथित सवर्ण समाज है जो भाईचारा तोड़ने का काम कर रहे हैं। हम अब भी संयम बनाए हुए हैं, शांति बनाए हुए हैं। अब आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि जो हरियाणा सरकार है और जो हरियाणा पुलिस है, उन्होंने इस मामले में FIR दर्ज कर दिया है, इस मामले को से वो विदेश मंत्रालय में संपर्क करें, विदेश मंत्रालय से संपर्क करके अमेरिकन एम्बेसी से संपर्क करें और वहाँ से एक प्रॉपर चैनल के तहत जो इंटरपोल की पुलिस होती है या अपने खुद की एक विशेष जांच टीम वहाँ पर भेजें और उसको वहाँ से अरेस्ट करके लेके आएँ। कोई इतना बड़ा बदमाश नहीं है विजय माल्या की तरह जो कई हज़ार करोड़ रुपये लेके चला गया, उसकी इतनी लंबी चौड़ी औकात भी नहीं है, लेकिन तो उसको हम इसीलिए हमारी मुख्य मांग ये है कि उसको गिरफ्तार करके यहाँ पे जेल में डाला जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, समय का अभाव है और सरकारें अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा। कैमरा सहयोगी प्रवीण के साथ मैं अजय, बैग न्यूज़ कैथल।